गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम वैभव सिंह, प्रीवियस ईयर पास्ड आउट स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज। आई एम प्रेजेंट हियर ऑन अ यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ भोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज कुराओं प्रयागराज। आज मैं आप सभी को आपके विषय कंप्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि हमारे कक्षा 9 तथा बोर्ड के प्रदर्शन से आखिरी पार्ट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी बहुत ही अनिवार्य है तथा उससे प्रश्न जरूर ही आते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है जिसके थ्रू हम सभी कोई भी ऑपरेशन अपने कंप्यूटर पे परफॉर्म करते हैं। अगर हमारे पास कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ना हो तो हम अपने कंप्यूटर पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से अगर हमारी बॉडी के इस सभी नर्व्स में एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कोऑर्डिनेशन ना हो तो जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानी जाती है और है भी। हमारे कंप्यूटर में अगर हम लोग कीबोर्ड से कोई भी की को प्रेस करें या हमें कोई भी प्रिंट आउट देना हो या कोई भी माउस क्लिक करके हम कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के ही तहत होना है, क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वो कंट्रोल सिस्टम्स, वो कंट्रोल स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं जो कि एक करेक्ट टाइम पे कौन सा ऑपरेशन और कब परफॉर्म करना है वो बताते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इसका सरताज पहनाया गया है। द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज बीन क्राउन द बेस्ट एंड मोस्ट कॉमन वे टू प्रोग्राम एनी पर्सनल कंप्यूटर। किसी भी कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बेस्ट माना गया है। सी मे बी द इजिएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू फिगर आउट। एक ऊपर से देखने में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इजी लगती है बट इट्स नॉट द मोस्ट डिफिकल्ट। ये पूरी तरीके से डिफिकल्ट नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इन द गोइंग सीरीज वी ऑल्सो सी द हिस्ट्री ऑफ सी। सी लैंग्वेज को 1970 के दशक में बेल लेबोरेटरीज में डेनिस रिची ने डेवलप किया था। डेनिस रिची इज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनिशियली इट वॉज डिजाइनेटेड फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको बेसिकली डिजाइन किया गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात क्या है यहाँ पे कि सी प्रोग्रामिंग इनके इन्वेंशन के बाद यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को टोटली सी लैंग्वेज पे दोबारा से रीडिजाइन किया गया। ऑलमोस्ट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी टूल्स अप्लाई किए जाते हैं वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से किए जाते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो थी हमारी वो बी लैंग्वेज से डिराइव्ड थी, जो कि इसके द्वारा लिखी गई थी, केन थॉम्पसन के द्वारा लिखी गई थी, जो कि AT&T बेल कंपनी में काम किया करते थे। तो बी लैंग्वेज जो हमारी बी लैंग्वेज थी वो एडॉप्ट की गई थी BCPL लैंग्वेज से। किससे अडॉप्ट की गई थी? वो BCPL लैंग्वेज से एडॉप्ट की गई थी, जिसका पूरा नाम था बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और उसे डेवलप किया था मार्चिट रिचार्ड्स ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। मार्चिट रिचार्ड्स ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में BCPL लैंग्वेज को डेवलप किया था, जो कि बी लैंग्वेज जहाँ से अडॉप्ट की गई थी। 1982 में एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। जिसका फिर काम क्या था कि वो सी लैंग्वेज को स्टैंडर्ड लैंग्वेज निर्धारित करे। एट लास्ट 1989 द स्टैंडर्ड ऑफ सी लैंग्वेज वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड नोन एज ANSI C. It is called as the mother of the programming language. Now in the going series, we see
अबाउट द फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इन द मॉडर्न इरा, इन दिस इरा, आज के समय में हम सभी को क्या चाहिए? हम सभी को कम समय में ज़्यादा काम चाहिए और काफ़ी आसान तरीके से. सबसे पहली बात, हम सभी की लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि हम सभी ये चाहते हैं कि किसी भी चीज़ को हम लोग कहीं से भी बैठ के ऑपरेट करें. तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें ये फीचर प्रोवाइड कराता है, विच वन इज़ द पोर्टेबिलिटी, विच वन इज़ द पोर्टेबिलिटी. इस एक स्थान, ये जरूरी नहीं है कि कोई भी लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्राम अगर हमने अपने प्रोग्राम कंप्यूटर वन पे डिजाइन किया तो वो प्रोग्रामिंग कंप्यूटर नंबर टू पे नहीं हो चलेगा. वो प्रोग्रामिंग नंबर टू पे भी चलेगा. डॉट टिल प्रोग्राम मीन्स एनी ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑन एनी डेस्कटॉप दिस प्रोग्राम विल बी रन. एंड आफ्टर दैट इट इज इन सिंटेक्स. व्हाट डू मीन सिंटेक्स? सिंटेक्स मीन्स अ रेगुलर फॉर्मेट ऑफ राइटिंग एनीथिंग. इट इज नोन एज सिंटेक्स. एंड इट इज अ केस सेंसिटिव. केस सेंसिटिव मीन्स मीन्स कि अगर किसी भी चीज को क्या अगर किसी भी चीज को अगर किसी भी चीज को वो एच एन एम जी एफ फॉर्मेट में लिखा जाता है तो उसको उसी फॉर्मेट में लिखा जाएगा. अगर हमने इसको इस तरीके से लिख दिया तो ये नहीं एक्सेप्टेबल है. जिसको जिस फॉर्मेट में डिफाइन किया गया है उसी फॉर्मेट में लिखा जाएगा. स्ट्रक्चर ओरिएंटेड मीन्स एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को लेते हुए ही हमको अपने प्रोग्राम को डिजाइन करना है. यूज ऑफ पॉइंटर. पॉइंटर क्या, अभी आगे आप पढ़ेंगे इसमें पॉइंटर क्या होता है. तो पॉइंटर क्या करता है, किसी पर्टिकुलर मेमोरी को एलोकेट करने के काम में आता है. जैसा कि यहाँ पे बताया, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट मीन्स प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है. कंपाइलर बेस्ड है. कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर लाइन बाय लाइन कोड को रन करता है. जैसे ही एरर मिलता है उसको वो तुरंत कंसोल पे आउटपुट दे देता है कि कौन से लाइन में कौन सा एरर है. उसके बाद फास्ट एंड एफिशिएंट, काफ़ी तेजी से काम करता है, काफ़ी पावरफुल है और काफ़ी सिंपल है. नाउ दैट्स इट. जय हिंद.